हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भैया, ये वीडियो है नए आदमी के लिए, जो नए लोग सऊदी आ रहे हैं और जो आना चाहते हैं और जो आ चुके हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा लाइसेंस के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ कैसे बनता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, कहाँ टेस्ट होता है और कैसे लाइसेंस मिलता है। ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और वीडियो दिखाकर बताऊंगा, समझाऊंगा भी आपको। तो भैया, घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया, सबसे पहले तो होगी आपकी फ़ीस जमा। फीस जमा करेगा आपका कफील। कफील आपको लेकर जाएगा स्कूल में और वहाँ एडमिशन करा कर आएगा आपका और फीस जमा करके आएगा। उसके बाद होगा आपका आँखों का टेस्ट। आँखों का टेस्ट होने के बाद में आप क्लास में पहुँच जाएंगे, जहाँ ये सब लोग बैठे हुए हैं। क्लास सबकी अलग अलग होती है, अलग लैंग्वेज की अलग होती है, हिंदी की अलग, उर्दू की अलग, बांग्लादेशी की अलग, सारी भाषा की जो क्लास है वह अलग अलग होती है। कुछ जगह ऐसा है, कुछ स्कूलों में ऐसा कि सब एक जगह बैठा देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो वो टीचर जो होता है वो सारी लैंग्वेज जानता है, सारी भाषा जानता है। अब यहाँ पर क्लास में सबसे पहले मिलेगी आपको किताब। ये देखिए, किताब बांट रहा है टीचर, ये किताब मिलेगी आपको। ये इसमें सारी चीज़ें होती हैं, इस किताब में सब कुछ समझाया हुआ होता है, सारे सवालों के जवाब, सारे निशान, जितना भी ड्राइविंग में होता है, सारे सिस्टम है पूरा ड्राइविंग का, वो पूरा सिस्टम इस किताब में छपा हुआ है। ये देखिए, सारे निशान दे रखे हैं। ड्राइवर के लिए गाइड, ये ड्राइवर के लिए गाइड होती है, ये गाइड बोलते हैं इसको, ड्राइवर के लिए होती है। तो इसमें सारी चीज़ समझाई हुई होती है, कंप्यूटर के सवाल भी इसमें होते हैं, रोड के निशाने सब इसमें होते हैं, किधर चलना है, कहाँ रुकना, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करना है, सारी चीज़ें इसमें समझाई हुई होती हैं। तो ये किताब सबसे पहले आपको ये किताब मिलेगी क्लास में जाने के बाद। जब क्लास में आप पहुँचोगे, ये किताब आपको बांट दी जाएगी, फिर टीचर आपको पढ़ाएगा, समझाएगा, सही करेगा। ये किताब जो होती है हर लैंग्वेज की होती है, जिस लैंग्वेज का आदमी होता है उसको वैसी ही किताब दी जाती है। ये देखिए, ये बड़ा पोस्टर लगा रखा है, कुछ स्कूलों में डिस्प्ले लगा रखी है बड़ी, तो उसमें स्पीकर भी बोलता है, सब कुछ बोलता है, वो डिस्प्ले होती है बड़ी। लेकिन इसमें जो है, तो यहाँ पर देखो चार्ट लगा रखा है इसने, बड़ा बैनर लगा रखा है, तो उसमें समझा रहा है, पढ़ा रहा है आपको, ये सारे निशान समझा रहा है कि कौन से निशान का क्या मतलब है, कौन से निशान का क्या मतलब है। ये पहले समझाएगा, फिर किसी को भी खड़ा करके ये पूछ सकता है कि बताओ इस निशान का क्या मतलब है। पहले समझाता है, पहले खूब समझाता है, तो ये पहले समझाएगा, फिर उसके बाद में एक एक उठा के किसी को भी उठा के पूछ सकता है कि बताओ इसका क्या मतलब है, इस निशान का क्या मतलब है, ये निशान किस चीज़ का होता है, ये सारी चीज़ें। ये देखो, ये एक आदमी को उठाया इसने और इससे पूछ रहा है ये कि बताओ इसका इस निशान का क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ें क्लास में होती हैं, ये क्लास में सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये देखिए, तो अब ये दूसरे को उठाया, देखो अब दूसरे को उठाया, अब इससे पूछ रहे हैं क्लास टीचर। अब ये आ गए भैया हम ग्राउंड में, जो ग्राउंड होता है गाड़ी चलाने वाला, वो ग्राउंड यहाँ पर है जहाँ ट्रेनिंग आपको दी जाएगी गाड़ी की। यहाँ रोड समझाया जाएगा, सारे निशान जो आपको वहाँ पर चार्ट में दिखाए थे वो सब निशान यहाँ पर होंगे ग्राउंड में। तो यहाँ पार्किंग भी लगा के दिखाई जाएगी, फ्लाई ओवर टाइप का भी एक बनाया हुआ है, जब पुल होता है फ्लाई ओवर होता है वैसे भी यहाँ पर बनाया हुआ है, उस पर भी गाड़ी चलवाई जाएगी। ये देखिए गाड़ी आ रही है, ये जो निशान पट्टी खींची हुई है, ये पैदल पार करने वालों की पट्टी होती है, तो इसका खास तौर से ध्यान रखें। अगर जहाँ ये पट्टी है तो पहले गाड़ी स्लो कर लें, क्योंकि हो सकता है कोई पैदल पार कर रहा हो रोड, तो उसके लिए गाड़ी रोकना ज़रूरी है। अगर कोई पैदल पार कर रहा है तो इसके लिए यहाँ रुकना ज़रूरी है, तो रुक के ये चल दिए। अब ये आता है फ्लाई ओवर, ये है फ्लाई ओवर, देखिए निशान लगा हुआ है, फ्लाई ओवर चढ़ाई है यहाँ पर ढलान है, तो यहाँ पर गाड़ी चढ़ेगी। अभी देखो यहाँ पर गाड़ी लेकर आएगा बंदा, ये गाड़ी लेकर आया, ये फ्लाई ओवर पर जा रहा है, ठीक है। फ्लाई ओवर पर एक निशान लगा हुआ होगा, तो वही निशान लगा हुआ है, ठीक है। इस निशान पे 1 2 3 आप गिनेंगे, इतनी देर रुक के और बस चल पड़ेंगे, ठीक है। रुकना ज़रूरी है अगर ये निशान लगा हुआ है फ्लाई ओवर पर, तो ठीक है। अब ये फ्लाई ओवर पार हो गया, ये देखिए ये दोबारा दिखा रहा है फ्लाई ओवर पर गाड़ी चला के, ये अब ये उतर गया फ्लाई ओवर से, ये गाड़ी उतार दी इसने, ठीक है, निशान पर रुकने के बाद जहाँ निशान लगा हुआ था। अब ये देखिए, अब यहाँ आ गया, ये इशारा, इशारा बोलते हैं यहाँ रेड लाइट को, जो लाल बत्ती होती है उसको यहाँ इशारा बोलते हैं। ये ग्रीन लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट अगर हो रही है तो आप गाड़ी चला सकते हैं, जा सकते हो, जाओ, ग्रीन लाइट का मतलब। अगर रेड होती तो यहाँ पर रुकना पड़ता आपको। अब देखिए ये गाड़ी आ रही है सीधी, भाई साहब गाड़ी लेकर आ रहे हैं सीधे, अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए अब यहाँ पर आ गए हम गाड़ी की पार्किंग में, ठीक है, जहाँ पर गाड़ी पार्किंग लगानी होती है। ये देखिए ये गाड़ी लेकर आ रहे हैं भाई साहब, ये यहाँ पर पार्किंग लगाएंगे गाड़ी। देखते रहिए, इसमें आपको मैं बिल्कुल ठीक तरह से समझाऊंगा। ये देखिए गाड़ी पार्किंग लगा रहा है, किस तरीके से लगा रहा है, ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखने वाली बात है,
गाड़ी किस तरीके से पार्किंग लगाई जाती है यहाँ पर, ये देखिए। एक ही बार में पार्किंग लगेगी, दूसरी बार में नहीं लगेगी, आगे पीछे नहीं कर सकते गाड़ी, एक ही बार में पीछे जाएगी गाड़ी, वहीं पर रोकनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक साइड ले गए फिर थोड़ी आगे कर दी, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। अगर पुलिस वाला वहाँ पर होगा तो आपको फेल कर देगा। एक ही बार में गाड़ी पार्किंग लगा देती है। अब मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको, देखो पीछे बैक करके लगाएगा गाड़ी, पार्किंग लगाएगा अभी, ये देखो गाड़ी अभी बैक करेगा, ये देखो ध्यान से देखना कहाँ पे गाड़ी रोकेगा, देखो ये यहाँ पर रोकी और फिर उधर काट के फिर बैक ले ली, ठीक है। एक ही बार में पार्किंग मिल जाएगी, दोबारा आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। ये हो गई गाड़ी पार्किंग, ठीक है, समझ रहे हो ना। समझ में ना आए तो भाई कमेंट में जरूर लिख देना मेरे को, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ये देखिए गाड़ी बैक में, ये मोड़ है, मोड़ बैक में मोड़ रहा है गाड़ी को, ये दिखाया कि बैक में रिवर्स में कैसे बैक होगी गाड़ी और मोड़ पर कैसे मुड़ेगी, ठीक है। अब ये सीधी लेके जाएंगे भाई साहब, ठीक है, ये गाड़ी सीधी ले गए, बैक की इन्होंने मोड़ पे और सीधी गाड़ी ले गए, ठीक है। भाई कोई भी शिकायत हो, कोई अगर बात समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है भाई मुझसे भी गलती हो सकती है, ऐसे नहीं है कि मैं एकदम हाई फाई ड्राइवर हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। ये देखिए सीधी पार्किंग जो रोड के किनारे पर कहीं पार्किंग होती है तो वहाँ पर सीधी पार्किंग कैसे लगाई जाती है, ये देखिए बैक में फिर रिवर्स में लाया, कैसे पार्किंग लगानी है, कैसे गाड़ी निकालनी है पार्किंग से, वो सब आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर। ये भाई साहब क्या करेंगे, देखिए सारे जितने सिस्टम होते हैं रोड के, सारे सिस्टम इस ग्राउंड में बने हुए होते हैं, सब कुछ समझाया जाता है, पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाती है, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं वो। उसके बावजूद भी अगर आप ना समझ पाओ तो भाई आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है, वो पूरा समझाते हैं। वहाँ पर गाड़ी सिखाने वाले भी रहते हैं, साथ में बैठने वाले भी रहते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, नहीं चलेगी तो तुम्हारे साथ में बैठेगा, चलवाएगा बैठ के गाड़ी में, ठीक है। ये देखो टेढ़ी मेढ़ी पार्किंग कहीं होती है तो वहाँ पर ये पार्किंग करके दिखाई, फिर ये रिवर्स में लाएगा यहाँ से, ये देखिए ये रिवर्स में लाया गाड़ी, पार्किंग लगा के दिखाएगा, फिर रिवर्स में निकाल के भी दिखाएगा पार्किंग से। ये देखिए निकाल दी गाड़ी उसने पार्किंग से, ठीक है, पूरी वो पूरी ट्रेनिंग देते हैं, पूरा सब कुछ सिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं आपको। उसके बावजूद भी अगर आपसे गलती होती है तो आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। मैंने भी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। और इसके बाद में भैया हम आ जाते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। ये कंप्यूटर क्लास होती है यहाँ पर, ये पूरा एक कंप्यूटर पूरा गाड़ी का सिस्टम बना रखा है। इसकी सीट पर बैठ कर आपको ऐसा लगेगा कि आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, पूरा आपको डिस्प्ले, ये गाड़ी पूरी ऐसी लगती है कि मैं रोड पर गाड़ी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर स्टीयरिंग पिस्टीयरिंग सब लगा हुआ है इसमें, देखिए ये देखिए बैठा है ड्राइवर, आगे डिस्प्ले दिख रही है, पूरा रोड दिखाई देगा आपको जैसे रोड पर गाड़ी चल रही है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कंप्यूटर जो टेस्ट होता है, कंप्यूटर टेस्ट पे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सवालों के जवाब दिए जाते हैं, 20 सवाल आते हैं, 20 सवालों में 16 जवाब आपको सही देने अनिवार्य हैं, ज़रूरी हैं। अगर 16 नहीं दिए गए, 15 रह गए, 14 रह गए तो आप फेल हो जाएंगे। 16 अगर आपने सही जवाब दे दिए 20 में से और 4 गलत हो गए, कोई मुश्किल नहीं है, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सवालों के जवाब आते हैं, तीन तीन चार चार जवाब आएंगे, उनमें तुम्हें टिक करना है कौन सा सही है बस। तो अगर सही है तो सही हो जाएगा, पास हो जाओगे। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो एक एप्लीकेशन आती है इसकी दल्ले के नाम से, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, ये प्ले स्टोर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। प्ले स्टोर पर जाओगे तो यहाँ पर सऊदी अरब दल्ले के नाम से ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये डाउनलोड हो रही है, ये वाला देखो, ये अभी मैं दिखाऊंगा कौन से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये सबसे अच्छी वाली एप्लीकेशन है, ये वाली, ये सबसे अच्छी एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड करोगे, इसमें सब कुछ आता है, इसमें सवाल जवाब सब आते हैं, कैसे कंप्यूटर टेस्ट होता है जो अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें कैसे कंप्यूटर टेस्ट होता है, कितने सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, सवाल चेंज भी कर सकते हो आप। तो ये आपको मैंने दिखाया, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर सवाल जवाब होते हैं, वो सब आपको इसमें आ जाएंगे, जो कंप्यूटर में वहाँ पर दिए जाते हैं वही सवाल इसमें दिखाता है आपको रियल। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये
इस तरीके से सवाल के जवाब आते हैं, तीन सवाल जवाब दिए गए हैं इसमें। अब आपको कौन सा सही लगता है वो आप उस पर टिक कर सकते हैं। तो भैया उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।